बिना जुताई के भी आप गेहूं की उन्नत पैदावार पा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप गेहूं की इस जीरो टिलेज तकनीक को अपनाएं, आपको करनी होगी कुछ खास तैयारियां और इसके साथ ही आपको मशीन द्वारा बुआई की अलग अलग विधियों को भी समझना होगा। तो चलिए गौर करते हैं इन तमाम पहलुओं पर। किसान भाइयों, इस विधि को अपनाने के पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले आप अपने खेत की पड़ताल कर लें, यदि जमीन उबड़ खाबड़ हो तो इस मशीन का प्रयोग ना करें, या फिर अगर खेत में खरपतवार अधिक दिखाई दे रहा हो तो बुआई के 7 से 10 दिन पहले ग्लाइफोसेट 41% दवा का इस्तेमाल 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए ताकि खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जीरो टिलेज मशीन से बुआई करते समय मशीन को कल्टीवेटर की तरह नहीं चलाना चाहिए। आमतौर पर इस मशीन से बुआई की दो विधियां प्रचलित हैं। तो आइए सबसे पहले किनारे से किनारा विधि को समझते हैं। दरअसल इस विधि में खेत के किसी एक किनारे से 3 मीटर माप कर चिन्हित कर देते हैं। यही प्रक्रिया सामने वाले छोर पर भी करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस 3 मीटर जगह में ट्रैक्टर आसानी से मोड़ा जा सके। अब ट्रैक्टर को चिन्ह के दाहिने या बाएं वाले मेड़ से सटाकर चिन्ह के पास पिछला चक्का इस प्रकार रखते हैं कि जीरो टिलेज मशीन के फाड़ लगाए गए निशान पर ही पड़े। दूसरे छोर पर जाकर जब मशीन निशान को छू ले तो हाइड्रोलिक से मशीन को ऊपर उठा लेते हैं। अब ट्रैक्टर को घुमाकर फिर पहले वाले स्थान के बगल में इस प्रकार ले आएं कि ना तो पहले वाले जुते हुए भाग पर मशीन दोबारा चले और ना ही बीच में जमीन का कोई हिस्सा छूटा रह जाए। अब मशीन चिन्ह पर नीचे गिराकर बुआई करते हैं। इस तरह से जब पूरे खेत की बुआई हो जाए तो दोनों छोर पर छूटे हुए भाग में बुआई करनी चाहिए। जरा गौर करें, इस भाग में ट्रैक्टर को पहले की दिशा के लंबवत करते हैं। ऐसा करने से बुआई अच्छी तरह से हो पाती है।